आज हम बनाएंगे भिंडी का सब्जी। भिंडी को हमने धो के रख लिया है और कपड़े से पोंछ लिया है इसे, और ये सूख गया है। और ये प्याज छील के रख लिया हमने, और ये लहसुन 10-12 कली, और ये हरी मिर्ची और जीरा, आमचूर का खटाई, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, कश्मीरी मिर्च जो तीखा नहीं होता कलर के लिए, और ये गरम मसाला। भिंडी काटेंगे, इसका हम पीछे का ढक्कन हटाएंगे और इतना बड़ा बड़ा हम काटेंगे पीस, इतना बड़ा बड़ा और इतना लंबा लंबा। ये हमने भिंडी काट लिया, ये इतना लंबा लंबा। अब हम प्याज काटेंगे ऐसे और ऐसे। अब हम इसका ऐसे निकाल लेंगे ऐसे चौड़ा चौड़ा, और इसे हम पीस लेंगे ये बीच वाला। ये प्याज हम कढ़ाई में भूनेंगे सब्जी के साथ, और ये जो बीच वाला है पार्ट इसको हम पीसेंगे मिक्सी में। ये प्याज, लहसुन, मिर्ची और जीरा हम एक साथ पीस लेंगे। ये प्याज पीस लिया छोटा छोटा टुकड़ा करके, और ये एक टमाटर भी पीस लिया, और ये प्याज, ये टमाटर हमने काट लिया। अब हम गैस ऑन करेंगे, 2 मिनट हम पैन गर्म होने देंगे। अब पैन गर्म हो गया है, अब हम इसमें तेल डालेंगे। अब हम प्याज डालेंगे इसमें, अब हम 2-3 मिनट तक हम इस प्याज को भूनेंगे। अब ये प्याज भुना गया, अब मैं इसे निकालूंगी। अब इसी तेल में हम ये भिंडी भूंजेंगे, इसे हम चलाएंगे भिंडी को, इसे 2 या 3 मिनट तक हम भूनेंगे। भिंडी को हल्का पकाना है, हल्का नरम होने तक पकाऊंगी मैं इसे। अब बीच बीच में मैं इसे चलाती रहूंगी। अब ये भुना गया, अब मैं इसे निकालूंगी। गैस ऑन करेंगे, ये जीरा डालूंगी उसी तेल में, इसे हम चला देंगे जीरा को। अब हम इसमें ये प्याज डालेंगे, प्याज को हम बीच बीच में चलाते रहेंगे प्याज को। ये प्याज भुना गया, अब हम इसमें ये पीसे हुए टमाटर डालूंगे, इसे हम चला देंगे प्याज टमाटर को। अब इसे हम भुनेंगे 2-3 मिनट तक प्याज को और टमाटर को, टमाटर और प्याज को दोनों को। इसे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे। प्याज और टमाटर को हमने भून लिया, अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये लाल कश्मीरी मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी, और ये आमचूर का खटाई, स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसे मिला लेंगे। अब ये मसाले भुना गए, अब हम डालेंगे इसमें ये भिंडी, भुनी हुई भिंडी हम डालेंगे इसमें। अब हम इसे चला लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें ये प्याज, अब हम इसे मिला लेंगे प्याज को, और हम डालेंगे इसमें ये गरम मसाला, जो हम मसाले को मिला लेंगे।
पाँच से सात मिनट तक हम इसे ढक के पकाएंगे। अब सात मिनट हो गए हैं, अब इसे मैं चलाऊंगी। अब हम इसमें ये टमाटर डालेंगे। अब इसे हम दो से तीन मिनट तक हम पकाएंगे इसे। अब मैं देखती हूँ सब्जी कैसी हुई है। सब्जी बन गया है, अब मैं सर्व करूँगी सब्जी। ये भिंडी का सब्जी बन के तैयार हुआ। अगर ये आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।